मैं सदफ वेलकम करता हूँ आपका IFN हिंदी किचन में। ये जो बेल आइकन है प्लीज क्लिक ऑन दैट, अदरवाइज यम्मी रेसिपीज कैसे मिलेंगी। आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा में जो चोखा बनता है वो बनता है बैंगन से, तो हम सबसे पहले बैंगन से ये स्टार्ट करेंगे। जो बैंगन है इसको हम कहीं कहीं पे हल्का हल्का स्लिट कर देंगे और इसके अंदर जाएगा हमारा गार्लिक, फिर ये पूरा बैंगन जाएगा ओपन फ्लेम पे आग पे, क्योंकि इसको अभी करेंगे रोस्ट। इसको हमने रख दिया ओपन फ्लेम पे एंड दो टमाटर, इसको भी सेम प्रोसेस सीधा ओपन फ्लेम। जब तक वो भुन रहा है क्यों ना लिट्टी चोखा का जो लिट्टी के अंदर का स्टफिंग को रेडी किया जाए। तो क्लीन बोल, इसके अंदर जाएगा सत्तू, वेरी फेमस इंग्रेडिएंट फ्रॉम बिहार, ये आधा कप सत्तू। इसके अंदर जाएगा थोड़ा अजवाइन, कलौंजी, मैंने कुछ यहाँ पे चॉप्ड गार्लिक रखे हैं तो इसको भी जाता हूँ अंदर इसके, और ये एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है अचार, सरसों तेल या फिर एज दे से इन बिहार कड़वा तेल। ओके, इसको मिक्स करते हैं और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ी सी और खटास के लिए। अभी हमारा जो सत्तू है इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, बिकॉज आपके पिकल में नमक पहले से था। सो करते हैं हम मिक्स, ये भी हो गया। बहुत ही ब्यूटीफुली टमाटर जो है मेरा भुन रहा है, और इसे बैंगन से भी पूछ लेते क्या हाल। ओह, बैंगन जी का तो अच्छा हाल हो रखा है, ये भी अच्छे से भुन चुके हैं। चोखा रेडी हो रहा, हमारा लिट्टी का स्टफिंग रेडी है, लेकिन जो आउटर केस है उसको भी तो रेडी करना है। लिट्टी का बोल, इसमें जाएगा आटा या मैदा, इसमें डालता हूँ अजवाइन, अगर आपको नहीं डालना है कोई दिक्कत नहीं, एंड इसको गूंधेंगे। जो बिहार की लिट्टी होती है इट्स वेरी क्लोज फैमिली रिलेटिव फॉर राजस्थान की बाटी, या फिर MP मिलता है दाल बाफला। दाल बाफला या फिर बाटी में अंदर स्टफिंग नहीं होती है, लेकिन लिट्टी के अंदर होती है। आटा रेडी हो गया है, अब इसको थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं 8-10 मिनट। इन द मीनवाइल बैंगन जी भुन चुके हैं एंड हमारे टमाटर साहब भी रेडी हैं। लेट इट कूल फॉर लाइक 5-10 मिनट्स तक। एक बोल में इसको अब सफाई करना स्टार्ट करते हैं। टॉप पार्ट है इसको काट के निकाल दीजिए, कीप इट इन अ बोल, और ये जो गुस्से में लाल टमाटर इसको भी छीलना है। अगर आपने इससे पहले लिट्टी चोखा खाया है तो नीचे कमेंट सेक्शन है ना, उसमें लीव अ कमेंट कि लिट्टी चोखा कहाँ खाया है, खुद से बनाया था, मम्मी ने बनाया था, पापा ने बनाया था, किसने बनाया था। तो टेल मी आपने कैसे खाया है। बैंगन गया अंदर, टमाटर गया अंदर, आप क्या जाएगा, ये मेरे पास है गार्लिक चॉप किया हुआ, सम फ्रेश धनिया मैं डाल रहा हूँ, हरी मिर्च, और मेरे पास है प्याज, इसके अंदर जाएगा हाफ लेमन जूस एंड हमारा मस्टर्ड ऑयल। इसको इसके ऊपर पोर किया, अब हाथ से चम्मच मुझ कुछ नहीं, हाथ से इसको बिल्कुल मैश करना है। अभी इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, नमक स्वाद अनुसार, एंड देन इसको वापस से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम कर देंगे साइड। चोखा रेडी, स्टफिंग रेडी, अब लिट्टी बनाते हैं। एक ट्रे लेते हैं, जैसा मैंने बताया कि इट्स लाइक बाटी ओनली, लेकिन इसके अंदर स्टफिंग होगी, तो इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। थोड़ा सा हाथ में ड्राई आटा, तो ये छोटे छोटे जो हमने पेड़े लिए उनमें ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि स्टफिंग जा सके। इसको अब हम फोल्ड करके राउंड वापस बना देंगे। लिट्टी हो गई रेडी, अब इसको डालेंगे अवन में 15-18 मिनट फॉर 180 या 200 डिग्री सेल्सियस। माय लिट्टी आर रेडी। चले जी, हमारी लिट्टी रेडी है। मेरे पास है यहाँ पे घी। ओहो, टू हॉट, लिट्टी बाहर, लिट्टी डूब चुकी है घी में, चोखा इसके ऊपर, और ये रेडी है मेरा लिट्टी चोखा। What are you looking at? Like, share, subscribe, do your job. I know you know what you have to do. और नीचे please comment, आपने लिट्टी कहाँ खाई थी पहली बार? Hi guys, welcome to Ohomia Pakor on India Food Network. Today's recipe which I'm going to share with you is known as Guguni. Now, Guguni has a very, very special story behind it.
at least as for me, it's mostly eaten by all of us, all our cousins, when we get together on that Dashami day. And Guguni, you want to know how to cook this, right? Come to my kitchen. Kadhai, add oil, 2 tablespoons. Let it heat for some time and we'll add our rest of the ingredients. In goes our chopped onion, let it cook for some time. Our onions are halka sa brown. It's time to add our ginger and the garlic paste. Garlic, let it fry for some time. Oh, I love this aroma. We'll add our haldi and namak now. Salt, turmeric, time to add our chopped tomato. We let the tomato reduce its quantity a bit, which actually means that it's getting cooked. You can see now that the tomatoes have reduced its size, which means it's cooked. Time to add our slit. I'm just throwing in a chili. You can use more if you like it spicy and hot. And now is the time to add our peas, the boiled peas. Here goes. Adjust your flame now. Looks like it requires little water to be added. You can add around half cup. I'm adding around half cup so that all the masalas blend properly. You can see the bubble coming on the side, which means now it's time to add our coriander and our cumin powder. 1 teaspoon, half a teaspoon, 1 teaspoon, half a teaspoon. Mix it. Now we'll let it cook quietly without disturbing for say around 10 minutes. Our Guguni is done. Time to plate it up. I'm going to garnish it with some chopped onions and tomato. Tomato and we are done. Our yummy Guguni is ready. My version, or the one that I have prepared, is really yum. You're going to share how yours has turned out. Share in the comments with us. But do not forget to subscribe to India Food Network. Hi friends. A very warm welcome to Anuna Rannaghar.
Diwali time is here. ঘরে ঘরে এখন তাস পার্টি চলছে, দিওয়ালি পার্টিস চলছে, আমার বাড়িতেও পার্টি আছে। আমার বন্ধুরা সবাই নন বেঙ্গলি, ওরা সবাই চাইছে একটা কুইন্টিসেন্সিয়ালি বেঙ্গলি রেসিপি আমি ডেজার্টে বানাই। তাই জন্য আজকে আমি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য রসগোল্লা। আপনাদের মধ্যেও অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন স্ক্র্যাচ থেকে রসগোল্লা কীভাবে বানায় দেখবার জন্য। তাহলে শিখে নিন আমার রান্নাঘরে আজকে কীভাবে বানায় রসগোল্লা। রসগোল্লার জন্য আমি নিয়েছি 1 লিটার দুধ। সেই দুধটাকে আমি ফুটিয়ে 2 লেবুর রস দিয়ে ছানা কেটে রেখেছি। সেই ছানাটা আমি ড্রেন আউট করে নিয়েছি। আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট স্টেপ, সেই ছানাটা ড্রেন আউট করার পরে আমি জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি যে লেবুর যে রেমনেন্টস থেকে যায় সেটা যেন একদম না থাকে ছানাতে। আর সেই অবস্থায় ছানাটাকে আমি এখানে নিয়েছি, এটাকে আমি খুব ভালো করে মাখব। ততক্ষণ মাখব যতক্ষণ এটা একদম একটা স্মুথ ডোনা ফর্ম করে যাচ্ছে। এটা একটু লম্বা প্রসেস, ইন দ্য সেন্স ছানা মাখাটার ওপর কিন্তু রসগোল্লা কতটা সফট হবে, স্পাঞ্জি হবে ডিপেন্ড করছে। সো এটাকে আপনি খুব একটু ধৈর্য ধরে মানে খুব ভালো করে মাখবেন। আমি দেখাবো কোন স্টেজে এলে ওটা আমি আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা রসগোল্লা করার জন্য রেডি হয়েছে। যতক্ষণ না এই ছানার কোনো গ্রেন আর হাতে থাকবে না, এটা একটা স্মুথ পেস্টের মতন ফর্ম করবে। এটা এখন দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্মুথ হয়ে গেছে, লেস গ্রেনি, মোর পেস্টি কাইন্ড। তো এটা একটা ছোট্ট টিপও আছে, আমি যদি একটু একটা পোর্শন করে নিই, করে যদি দেখি এটা আমি রোল আউট করতে পাচ্ছি এরকম করে, এটা ফর্ম করছে একটা ছোট্ট বল, তার মানে ওটা রেডি হয়ে গেছে। আমি প্রেশার কুকারে 1 কাপ চিনি 4 কাপ জল দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। এটাকে আমি অন করে দিই, ওটা ফুটতে থাকবে। প্রেশার কুকারে কেন করছি আমি রসগোল্লা সেটাও একটু বলে নিই। রসগোল্লার জন্য বাইরে যখন ময়রা মিষ্টির দোকানে করে, বড় ডেকচিতে একটা মানে রসগোল্লাগুলো ফোটে, ওপর থেকেও ওর প্রেশার থাকে, নিচে থেকেও প্রেশার থাকে, রসগোল্লা তাতে ফোলে। এখন বাড়িতে তো আমি সেই ব্যবস্থা করতে পারবো না। প্রেশার কুকারের কনসেপ্টটা হচ্ছে তাই, মানে দুপাশ থেকে প্রেশার দিয়ে রসগোল্লাগুলোকে ফোলার ব্যবস্থা করবে প্রেশার কুকার। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন আই এম ডুইং ইট ইন আ প্রেশার কুকার। ছানা মাখাটা এখন একদম রেডি হয়ে গেছে টু ফর্ম রসগোল্লা। সো আমি একটা একটা করে ছোটো ছোটো রসগোল্লার সাইজ করে বল বানিয়ে নেব। মোটামুটি স্মুথ একটা সারফেস হলেই হবে, একটু ফাটা ফাটা দেখা গেলেও ক্ষতি নেই, মানে ওটা আবার চিনির রসে ওটা যে স্পাঞ্জিনেসটা হয় ওইটার জন্য হয়। সো ইট উইল অ্যাবজর্ব সুগার অ্যান্ড রাইস। Once you master the art of making rasgulla, you can do a lot of things with it. আমি একটা শিখিয়েছি আপনাদের বেক রসগোল্লা, লিঙ্কটা ফলো করলে সেই রেসিপিটাও পাবেন। বেক রসগোল্লা, এই রসগোল্লা বানিয়ে তারপর বেক রসগোল্লা বানাতে পারেন। এখন চিনির রসটাও ফুটে গেছে, এগুলো ফর্মড অ্যান্ড কেপ্ট রেডি। একে একে করে আমি চিনির রসে এগুলো ডুবিয়ে দেব। তো লাস্ট 2 বাকি আছে, দিয়ে দিই। দিয়ে কি করব, এটাকে ঢাকনা বন্ধ করে দেবো প্রেশারে। আর প্রেশারে যেই একটা প্রেশার ফর্ম করবে এই যে হুইসল আসছে, আমি এবারে এটাকে একটু আস্তে করে 6 থেকে 7 মিনিট হতে দেবো। অ্যান্ড দ্যাটস ইট, তারপরে রসগোল্লা পাওয়া যাবে। যদি একটা মিষ্টি বা একটা খাবার যেটাকে রিপ্রেজেন্ট করে বেঙ্গল বা বেঙ্গলিকে, সেটা কি হবে, ডেফিনেটলি রসগোল্লা। সেই রসগোল্লা আজকে বানিয়ে ফেলেছি আপনাদের জন্য আমার কিচেনে। এবার নিজের কিচেনে বানিয়ে সেটাকে ট্রাই করুন। একটা বেঙ্গলি ডেজার্ট যেটা একটা নন বেঙ্গলি দিওয়ালি পার্টিতে হবে সুপারহিট। ওয়েল, আই এম অলওয়েজ এট হোম টুডে and I have been terribly missing Assam, but that doesn't stop me from making myself a dish, and I'm going to make a very very traditional dish for me. But let's see what I have in the refrigerator. So I'm going to show you how to cook this wonderful recipe. It always comes handy. I do it, I keep my fish marinated with some salt and turmeric. I'm going to heat the oil to fry the fish.
half done. We are going to take them out. We don't want the fish to be fried completely because we'll have to cook it further along with the khorisa. Now that our fish has been half fried, it's time to get ready with the other ingredients. We start off with chopping our onion. I've taken here say 1.5 medium size. I've also put the kadhai to heat for some time. The oil is hot. Time to add our onions now. Here we go. We are using the same oil. As in Assamese, we always call it Maas or telote, Maas bhaja. Let it cook for some time. It becomes halka asa brown. 1 teaspoon of garlic, ginger. Let it cook before we add some namak and haldi. Green chilies. I'm going to add around 2 tablespoons of bamboo shoots. Green goes. So first tablespoon. And second. Our bamboo shoots has been cooking nicely. Time to add our half fried fish. We'll now let it simmer for some time, for another 5 to 7 minutes. We'll put it covered. Looks like it's done. Yes, it is done. It's now time to plate this up. Time to check. It's done. I'm going to plate it up now. And our khorisa maas is ready. Time to do some testing. So if you like this recipe, share in the comments and subscribe to India Food Network. आप सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। IFN हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी और मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। अब आप सब ने बहुत सारी कुकीज खाई होंगी, चॉकलेट कुकीज, ओटमील रेजिन कुकीज, पीनट बटर कुकीज। आज बनाते हैं एक देसी स्टाइल की बिहारी कुकीज, ठेकुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और अब इसे धीमी आंच पे गुड़ के पिघलने तक पका लीजिए। तो हमारा सारा गुड़ पिघल गया है और एक बहुत बढ़िया सी गुड़ की चाशनी बन के तैयार है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक हम इस बोल में आटे को ले लेते हैं।
ठेकुए की सबसे अच्छी बात यही है कि वो होल व्हीट आटे से बनता है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नारियल, थोड़ा सा सौंफ, कुटे हुए इलायची के दाने और मोयन यानी कि घी। मोयन डालने का एक ही रूल है, जितना आटा उसका एक चौथाई मोयन। अब इसे अच्छे से हाथ से पहले मिला लीजिए। ठेकुआ बिहार में बहुत ही शुभ डिश है और हर तीज त्यौहार में ज़रूर बनता है और होली में भी होलिका दहन के समय बना करके भगवान को भोग की तरह चढ़ाया जाता है। अब हमारी चाशनी ठंडी हो गई है, अब इसमें धीरे धीरे करके इसको मिलाते हुए हम अपना आटा सान लेंगे। आटा हमें सख्त ही सानना है, नरम नहीं होना चाहिए वरना ठेकुए तलते समय फट जाएंगे। तो मेरा आटा अच्छे से सन गया है, अब इसे ज़रा 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं। तो मेरा डो अच्छे से रेस्ट कर चुका है, अब ठेकुआ बनाने से पहले मैं अपना तेल गर्म होने के लिए रख दूंगी और चलिए बनाते हैं ठेकुआ। हमेशा ठेकुआ वैसे सांचे में बनते हैं, पर अगर आपके पास सांचा नहीं है आप फिर भी बना सकते हैं। ऐसे हाथ के बीच इसे थोड़ा दबा लीजिए और सांचा नहीं होने पर हम इसमें फोक से डिज़ाइन बनाएंगे। ये बन गया हमारा ठेकुआ, ठीक इसी तरह हम सारे बना लेंगे। पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल ठीक तरीके से गर्म हुआ है या नहीं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे ठेकुए। और अब धीमी आंच में इसे टोटली ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। ठेकुए बहुत प्यारे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो लीजिए तैयार हैं गर्मा गर्म ठेकुए, तैयार है मेरे गर्मा गर्म ठेकुए। यू नो, आपको ठेकुए एंजॉय करने के लिए तीज त्यौहार का वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी बना सकते हैं और चाय टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। बिलीव मी, मेरे कुकी जार पे तो ये हमेशा रहते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और IFN हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।